हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। अरे ना पागल, अभी तो मॉर्निंग हुआ है। 10 बज रहे हैं? हाँ तो मॉर्निंग ही तो है, 10 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ अभी। मम्मी और आरुष अभी भी सो रहे हैं। दोपहर हो जाएगी, फिर दोपहर में सोने का टाइम हो जाए, फिर 8 बजे उठोगी, एक घंटे बाद फिर सोने का टाइम है। हाँ तो आप ज़्यादा वो बन रहे हैं। आज पहली बार उठ के, तो आप उठ के अपना ही दो काम कर रहे हैं, है ना? तो सुबह सुबह उठ के कौन किसी दूसरे काम करने चला जाता है? मैं करती हूँ, मैं चाय बना के देती हूँ सबको। मैं खुद तो पीती नहीं हूँ। तो मैं भी पीती हूँ। पर्चा मेरे नाम पे किसने काटा है? तो ये कभी चाय बना के नहीं देते मुझे सुबह उठ के, ना कभी होते हस्बैंड ना चाय बना के देते। पहले जब नई नई शादी थी ना तो बहुत बना के देते थे, लेकिन अब नहीं बना के देते। कोई बात नहीं। पति क्या है? प्राणनाथ। प्राणनाथ प्रभु, सब कहने कहने की बातें पता नहीं कौन बोल के लिख के चला गया और हम चीज को निभा रहे। तो मैं दिखा दूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं इस टाइम 10 बजे सुबह सुबह उठ के। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं। कल बोर्ड का एग्जाम है मेरा, तुम्हें पता नहीं? इनके बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। बोर्ड का एग्जाम की और किताबें, कितनी सारी किताबें। और एक्चुअली ये पढ़ रहे हैं और दिन भर घर में पढ़ाई का माहौल देख देख के। एक तो मैं पहले से पढ़ने से मैं बहुत कतराती थी, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ जब एग्ज़ाम टाइम होता था तब तो पढ़ते थे। मेरा पढ़ने का क्रेज जागा था ग्रेजुएशन में, उसके पहले मैं और 6th तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। बीच में 6th के बाद पता चल गया ना कि हरामखोरी कहाँ किया जा सकता है। नहीं ग्रेजुएशन कॉलेज में कौन पढ़ाई करता है, सब तो कैंटीन में ही रहते हैं। मैं कैंटीन में नहीं रहती थी। मैं हाँ तो कैंटीन से बाहर रहती होगी। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि मैं कैंटीन में रहूं, सच्चाई यही है। घर से बस का किराया मिलता था। अच्छा जब कैंटीन में नहीं जाती थी, क्लास में नहीं रहती थी, तो बॉयफ्रेंड वाले चक्कर हो गए? नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मतलब मेरे कर्म फूट नहीं थे? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बॉयफ्रेंड बनाना कोई गलत बात थोड़ी है, तो है ना, डे टू डे का खर्चा निकल जाता। हाँ तभी तो मैं कैंटीन में नहीं रहती थी। नहीं तो मैं बताती हूँ ये क्यों पढ़ रहे हैं। इनका कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ये इनका प्रमोशन एग्ज़ाम है, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। प्रमोशन हो जाएगा, एग्ज़ाम है कब होगा डेट अभी आएगा पता नहीं, डेट का नहीं पता, बट हाँ एग्ज़ाम है तो ये पढ़ते ही रहेंगे जब तक एग्ज़ाम चलेगा। और अभी नहीं है लगता है, बहुत दिन बाद है अभी। और आने वाला है आरुष का बर्थडे, उसके लिए भी थोड़ी बहुत कुछ तैयारी तो करनी है। देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि बर्थडे में क्या करना है आरुष के। कॉलेज में जैसे लड़के लड़कियां पटाते हैं ना, तो लड़कों का डे टू डे का खर्चा निकल जाता है। हम लोग कभी कोई लड़की पटाए नहीं थे, हम लोग का भी खर्चा निकलता है। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? हरकतें देख करके आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? सच में कैमरा आपके साइड करूं मैं? कहाँ थी यार? पक्का ना? पक्का खोल दू पोल क्या? आए बड़े सीधे साधे, मेरा नहीं था, मैं हूँ सीधी साधी। तो फ्रेंड्स पढ़ने देते हैं इनको, ये दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर रात भर डर होता है एग्जाम का इनको। तो मैं बनाने आ गई हूँ चाय, वो पढ़ रहे हैं तो मैं चाय बना के तो दे सकती हूँ।
चाय पियेंगे फिर 12 बज जाएंगे तो काम करूँगी, सॉरी काम करूँगी, फिर 12 बजेंगे तो जाऊँगी ड्राइविंग सीखने। और आज लास्ट डेट है, 7th डे है आज, तो चलिए चाय बनाते हैं पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वाले रूम में हूँ और चाय देखिए हम लोग किस में पीते हैं। इसमें चाय ना जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो मेरे हस्बैंड को इसी में चाहिए चाय, तो मैं भी पी लेती हूँ। और बाहर हो रही बारिश, जो दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा कंटिन्यू बारिश हो रही है, कब से हो रही है पता नहीं, मैं दिखाती हूँ। देखिए हो रही है बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। सामने घर बन रहा है, उसका लिंटर पड़ना है, 2 दिन से लिंटर रुका हुआ है क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है। कल भी हुई थी बारिश, आज भी हुई है बारिश। और हमारे हमने बालकनी में इधर ही बिछा रखा है, ये भी खैर बालकनी में नहीं आ रहा है, मुझे लगा इधर तक आ जाएगा बट इधर तक नहीं आया है पानी। देखिए हो रही है बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। सामने घर बन रहा है, उसका लिंटर पड़ना है, 2 दिन से लिंटर रुका हुआ है क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है। कल भी हुई थी बारिश, आज भी हुई है बारिश। और हमारे हमने बालकनी में इधर ही बिछा रखा है, ये भी खैर बालकनी में नहीं आ रहा है, मुझे लगा इधर तक आ जाएगा बट इधर तक नहीं आया है पानी। और तेज होती जा रही है बारिश, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, दिखाती हूँ। बस आज पकोड़े तल के खाओ और सो जाओ और कंबल से ना निकलो, बस ऐसा ही मौसम हो रहा है। बहुत तेज हो रही है बारिश तो, ज़्यादा देर मैं भी नहीं खड़ी रह सकती क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है बहुत तेज, तो आज नहीं निकलना है घर में से। बालकनी बंद कर देते हैं, बहुत हो रही है और चाय गरम गरम। सर्दी में ये सब ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। पता है बहुत तेज हो रही है बारिश, हाँ कल इन्होंने बोला था मुझे कि बारिश हो रही है, तो मुझे लगा कि झूठ बोल रहे होंगे मुझे पागल बनाने के लिए, बट सही में आज बहुत तेज हो रही है। पता है क्या हुआ, आज नहीं जाना ड्राइविंग सीखने, आज बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, आज छतरी लेके चले। आज बोल रहे हैं, बोलेंगे अंकल भैया जी हम ना चाय पकोड़े खा रहे हैं घर में, बिट्टू पकोड़े बनाओ। यार किसी का हस्बैंड होता है ना, मैं कोई वाइफ बोलती पकोड़े बनाओ तो हस्बैंड इतना खुश होकर बोलता है हाँ बनाओ हाँ बनाओ, मेरे हस्बैंड ने जो बनाना बनाओ चल जाओ। मैं सेवा करूँ वो तो सब जानता है कौन किसकी सेवा करता है। तो हम पी रहे चाय और मैंने जैसा कि दिखाया ऐसे ट्रेन वाली फीलिंग होती है, इतने दिन से हम गाँव तो गए नहीं है ट्रेन में। 8 बजे उठी थी, 11 बजे चाय मिल रहा है, 10 बजे चीनी कितने ज़्यादा है, गाय से दूध भी निकालना पड़ता है। अभी तेरी बहुत तेज हो रही है बारिश, तो क्या हो गया, ओले बढ़ रहे हैं तो, बर्फ गिर रही है तो, ठंड बढ़ गई तो कंबल में से नहीं निकलो आज, बंद कर दीजिए ना बिट्टू। क्या किताब, मेरी किताब से तुमको क्या पढ़ना यार, इतना ऐसे कौन पढ़ता है यार। तो सुबह उठा तो तुम्हें घुमड़ी जाती, अभी अभी पढ़ेंगे, अभी पता नहीं कब तक पढ़ेंगे, दोपहर में भी लेके बैठ जाएंगे, रात में 7 बजे से शाम को 7 बजे से रात में पता नहीं कब तक। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद देखते हैं ड्राइविंग के लिए जाते नहीं जाते हैं। और आरू छूट गया, उसको मैंने दूध दे दिया है, उठता है तो सुबह सबसे पहले वो दूध लेता है, उसके बाद ही कुछ खाता पीता है, तो दूध दे के और मैं चाय लेके बैठी। मम्मी ने बोला कि अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, तो मम्मी थोड़ी देर बाद पियेंगी चाय और मैं अभी पीऊँगी, मेरे हस्बैंड अभी चाय पियेंगे, और जब तक मम्मी पियेंगी ना तब तक मेरा दूसरा राउंड हो जाएगा चाय का,
तो चलिए देखते पकोड़े बनाएंगे। मिर्च ले, मिर्च लेके आए। संजीवनी बूटी है क्यों? मेरे लिए तो संजीवनी बूटी है भैया, जो टी लवर होते हैं ना उनको पता, चाहे संजीवनी बूटी है, कुछ मिले ना मिले, चाय मिल जाए। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा पक 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 करी जा रही हूँ कब से, तो मिलते थोड़ी देर। हैं क्या? देखिए ये मुझे दे रहे हैं टेप के मुंह पे लगा लो, मैं इतना भी नहीं बोलती बिट्टू। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है ना, हो गया ना देखो सारा मुंह यहाँ मुंह तो आपकी भी। ओए मम्मी, इधर का गाल का बाल निकला है यार। लाओ लाओ, नहीं बेटू, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जा रहे हैं सांप की तरह बाल खाने। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ फिर से, लास्ट ड्राइव है और इतनी सर्दी भी नहीं है जो कैप वैप लगा के। मेरी तो यही छोटी है ना, और बारिश हो रही है बहुत ही, फिर भी आज मेरा मन नहीं था जाने का, तो ये बोले नहीं चलो। आप पता है गुंडे लग रहे, जादू लगे, जादू। तो हम चल दिए और बारिश अभी भी हो रही है, तो फोन को रख लेती हूँ मैं अंदर। नहीं हो रही है बारिश वैसे।